हथियार दिखाकर कलवा में लूटमारी करने वाले 3 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मुंबई टीवी हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। कलवा के आनंद नगर में एक व्यक्ति ने मामला दर्ज कराया था कलवा पुलिस स्टेशन में कि उसको अज्ञात जो लड़के हैं उसके द्वारा धारदार तलवार दिखाकर लूटमारी की गई है, जिसमें नकदी पैसे 6,500 रुपये और उसका फ़ोन जो है छीनकर फरार हो गए। जिसके बाद मामले को संज्ञान में लेते हुए कलवा पुलिस स्टेशन ने टीम बनाते हुए छानबीन किया और छानबीन के दौरान जो है पुलिस ने आनंद नगर से ही 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। जिन तीनों को युवकों को गिरफ्तार किया गया है उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने स्नैचिंग की वारदातें भी की है, ऐसा जुर्म भी कबूल किया है। फिलहाल पुलिस ने इन तीनों आरोपियों के पास से 2 सोने के गहने, 1 मंगलसूत्र सोने की और 2 बाइक, 1 ऑटो बरामद किया है और साथ ही साथ जिसे वो दिखाकर लूटमारी करते थे धारदार तलवार भी इन युवकों के पास से जब्त की गई है। पकड़े गए तीनों युवकों की गिरफ्तारी के बाद वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक कलवा पुलिस स्टेशन के मनोहर अवार्ड ने क्या जानकारी दी है वो हम आपको सुनाते हैं। 6:05 रात को 1:15 बजे एक आदमी वेस्ट से ईस्ट जा रहा था तो ब्रिज के ऊपर 4 जो लोग थे उन्होंने उसको चॉपर का धाक दिखाया। उनके पास से जो मोबाइल और रोक रकम थी 300-400 रुपये वो उसने खींच के लिया और उसको भगा दिया। उनके तुरंत वो कंप्लेंट करने के लिए पुलिस स्टेशन में आया नहीं। 17 तारीख को कंप्लेंट करने के लिए पुलिस स्टेशन में आया तो उनकी तकरार दाखिल करके CR नंबर 295/22-394-34 भारतीय हत्या कायदा 425 अनुसार गुना दाखिल किया है। वो मेरे वरिष्ठ अधिकारी ने बताया था कि चेन स्नैचिंग बढ़ रहा है, उसका तपास करना जरूरी है। तो मैं तुरंत मेरे PI क्राइम पुलिस निरीक्षक सुदेश आजगावकर, PSI बगदाने, ASI महाजन आणि स्टाफ यांना सूचना दिल्या। त्याप्रमाणे PSI बगदाने, ASI महाजन आणि स्टाफ हे लोग 17 तारीख को रात को और 18 तारीख को सुबह 4:30 बजे का टाइमिंग था, उस वक्त पेट्रोलिंग करते वक्त ब्रिज पे 3 जो इसम था वो संशयित रीत्या घूम रहे थे उधर, तो मालूम पड़ने के बाद पुलिस ने उनको रोक दिया तो वो भागने लगा। भागने लगे बाद छिता पी कर गए, पुलिस ने उनको ताबे में लिया। उनके हाथ में एक चॉपर था, उनको विश्वास में लिया तो उन्होंने वो 6 तारीख को जैसम को हथियार का धाक दिखा के 6,500 रुपये का मोबाइल और रोक रकम लिया था, वो उन्होंने वो हस्तगत किया। बाद में उनको इंक्वायरी करके पूछताछ करके मालूम पड़ा तो पुलिस स्टेशन के 3 स्नैचिंग उन्होंने किया था। उनका नाम मालूम पड़ा तो पहले का नाम है गणपत पल्लास्वामी गुल्लर, 21 साल का है। दूसरा अमन जायसवाल है, वो 19 साल का है। वो हरिंदर परमहंस है, 19 साल का है। और उन्होंने आज तक 2,30,000 का माल पुलिस ने हस्तगत किया है। 20 तारीख तक पुलिस कस्टडी है और तपास चालू है। जो 1 नंबर का आरोपी है गणपत पुल्लास्वामी गुल्लर, हे पुलिस के मुमरा या कड़वा पुलिस का रिकॉर्ड का सराहित गुनेगार है। मामला ये अभी तक दर्ज नहीं, तपास चालू है। ऐसी तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें मुंबई टीवी। मैं अफजल शेख फिर हाजिर हूँ एक नई न्यूज़ के साथ।